विक्रम चाक्या अपने चैनल मैथ मैजिशियन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो ट्वेल्थ क्लास के लिए है, और ट्वेल्थ क्लास में जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर कर रहे हैं, और हम अभी तक जो अपने वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इसी वीडियो के, और बाकी के जो पार्ट्स हैं या बाकी के जो वीडियोस हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1 के और इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1 वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो सबसे पहले आप उन्हें देखिए अगर नहीं देखे हैं तो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके और आप क्लियरिटी के साथ चीज़ों को समझ सके। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 से एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 में कहा गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1-1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। आपको बताना है कि क्या किस केस में जो फंक्शन है वो 1-1 है, किस में ऑन टू है और किस में बाइजेक्टिव है। एक नया टर्म अब आया है बाइजेक्टिव, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बाइजेक्टिव के बारे में नाम नहीं सुना था कि बाइजेक्टिव क्या होता है। 1-1 और ऑन टू तो हम सुन चुके हैं, कुछ नहीं है, कुछ ऐसा स्पेशल था नहीं, इसलिए मैंने अभी तक बताया नहीं। बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव तब बोला जाएगा जब वो 1-1 और ऑन टू दोनों होगा। ठीक है, इफ अ फंक्शन इज 1-1 एंड ऑन टू देन इट इज सेट टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल है, तो इसका मतलब आपको यही पता करना है 1-1 है या ऑन टू है, और अगर 1-1 और ऑन टू दोनों हो गया तो फिर वो बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक पार्ट में इसका कराता हूं, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं और हम 1-1 और ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 6 तक हमने 1-1 और ऑन टू ही किए हैं। तो आपने अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, ताकि उसमें मैंने स्टार्टिंग से करना सिखाया है, क्योंकि इस पार्ट में मैं हिंट करूंगा और काफी डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए ताकि आप गो थ्रू हो जाएं और फिर आप सेकेंड देखे। तो चलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट को। आपको एक मैपिंग दे रखी है रियल टू रियल, और एक फंक्शन दे रखा है fx = 3 - 4x। पता करना है कि ये 1-1 ऑन टू या बाइजेक्टिव है या नहीं। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 7, वही क्वेश्चन जो हमें दिया गया था। सबसे पहले बात करते हैं 1-1 पर। करने का तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। हम दो एलिमेंट लेते हैं, पहले R के जो हमारा पहला R है इसके दो एलिमेंट लेते हैं, सच दैट उनकी मैपिंग हम जो हैं वो इक्वल कर लेते हैं, या उनकी जो इमेजेस हैं सॉरी वो हम इक्वल कर लेते हैं। अगर इमेजेस हमने इक्वल कर ली तो fx1 की वैल्यू हम fx से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये x1 है और ये x है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें x1 रख देना है, तो 3 - 4x1। ऐसे fx2 चाहिए तो यहां पर x की जगह x2 पुट कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा 3 - 4x2। अब आपका काम वही है, 3 से 3 सबसे पहले कैंसिल करिए, -4 से -4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा निकल के आ जाएगा x1 = x2। क्लियर है? तो देख लीजिए कॉन्सेप्ट कि हमने इमेजेस सेम की और उनके एलिमेंट सेम प्रूव कर दिए। ठीक, एलिमेंट जो है वो सेम प्रूव कर दीजिए वाया जो हमने इमेज थी वो सेम लेके। अगर ऐसा केस प्रूव हो जाता है तो हम बार बार कह चुके हैं तो ये फंक्शन 1-1 हो जाएगा। ठीक, तो इट इज अ 1-1 फंक्शन। अब देखते हैं ऑन टू है या नहीं। अगर ये ऑन टू भी हो गया तो फिर ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा, क्योंकि 1-1 और ऑन टू दोनों हो गया तो ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। तो आइए देखें ऑन टू का देखें, तो लेट एनी रियल नंबर, वही वाई बिलोंग्स टू आर, इस बार वाई लेते हैं, लेकिन वाई जो होगा वो किसको करेगा, दूसरे वाले को। इस बार दोनों ही आर हैं तो इसलिए पहचानने में ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कौन किसका है, तो एक्स वाले हमेशा पहले को लाई करते हैं और वाई वाले हमेशा दूसरे को लाई करते हैं। मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं सच दैट fx = y, कि किस इस तरीके का है कि fx = y है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे, fx = y, तो fx की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 - 4x = y। यहां से कोशिश करिए x की वैल्यू निकालने की, तो x की वैल्यू जो निकालोगे वो निकल के आएगी 3 - y / 4।
ठीक है। अब ये ऑन टू होगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका एक्स जो है वो हर एक केस में रियल होगा या नहीं। अगर हर एक केस में एक्स रियल नंबर हुआ तो एक्स जो है रियल नंबर को बिलोंग कर जाएगा और फंक्शन भी ऑन टू हो जाएगा। और अगर कोई भी केस ऐसा बना जिसमें एक्स जो है वो रियल नंबर को नहीं लाई किया, तो उस केस में हमारा एक्स जो है रियल नंबर में लाई नहीं करेगा और फंक्शन भी ऑन टू नहीं होगा। आओ देखें, ऐसा हमें एक स्ट्रांग रीजन देना है कि एक्स रियल है या नहीं, इस बात को बिल्कुल स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले बात करते हैं वाई पे। वाई क्या है? रियल नंबर। ठीक है, ध्यान से देखना, वाई अगर रियल नंबर है और थ्री भी क्या है, थ्री भी रियल नंबर है, तो थ्री माइनस वाई, आप देख रहे हो अच्छे से, थ्री माइनस वाई, अगर हम थ्री माइनस वाई करेंगे तो दो रियल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर दो रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या जो नया नंबर आएगा वो रियल नहीं होगा? अनडाउटेडली वो रियल होगा। और अगर वो रियल होगा तो वो फोर से डिवाइड होगा। अब अगर वो फोर से डिवाइड होगा तो फोर भी रियल नंबर है, तो डिवाइड होने के बाद भी जो नंबर आएगा वो भी तो रियल होगा, क्योंकि टू नॉन जीरो नंबर्स का अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो भी रियल ही आता है, तो कंफर्म है कि रियल ही आना है। तो इसमें कुछ सोचना ही, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि दो रियल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन रियल होता है, फिर अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो भी रियल होगा। इसका मतलब है जो एक्स पूरा कैलकुलेट आए होके आएगा वो भी हमेशा कैसा होगा? रियल। और अगर एक्स रियल होगा तो ये ऑन टू भी हो जाएगा, और अगर ऑन टू हो गया तो ये फंक्शन जो है ये बोला जाएगा आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, बाइजेक्टिव फंक्शन। याद रखिए कि ऐसा फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों हो जाए उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये वन वन भी हो गया था और ऑन टू भी हो गया था, तो वन वन और ऑन टू दोनों हो गया, इसीलिए हमने इसे बाइजेक्टिव कह दिया। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया कि लेट ए एंड बी, बी सेट्स, दो सेट्स हैं आपके पास, शो दैट ए, जो एफ है वो इस तरीके का है कि ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए, सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको इसे प्रूव करना है कि ये भी बाइजेक्टिव होगा, इसका मतलब हम इसमें भी वन वन और ऑन टू प्रूव करेंगे कि वन वन और ऑन टू है या नहीं। आइए देखें, सबसे पहले बात करते हैं वन वन की। आपके सामने बेसिक लैंग्वेज वही, लेट, इस बार थोड़ा सा चेंज क्या है जो इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करा सकता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारा फंक्शन कैसा होता है, एक्स के टाइप का, देख रहे हो, एक्स होता है यहाँ पे, एक एलिमेंट होता है और इधर भी एक्स में होता है। इस बार हमारे फंक्शन में क्या हो गया कि एक्स की जगह कोऑर्डिनेट टाइप के दे दिए हैं, ए बी टाइप में, और ए बी टाइप में दे दिए हैं, और इधर जो आउटपुट है वो भी उसी फॉर्म में है। हम जब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम यहां पर दो एलिमेंट मानते हैं एक्स वन और एक्स टू टाइप के, क्योंकि हमारा ये भी एक्स ही होता है, लेकिन इस बार ये एक्स नहीं है, तो इसीलिए हमने जो दो एलिमेंट माने हैं वो भी इसी के फॉर्म के माने हैं। एक में मैंने क्या कर दिया, वन वन, और एक में कर दिया टू टू। तो हम कह सकते हैं रैंडम कि ये काम कर रहा है इन द प्लेस ऑफ एक्स वन और ये काम कर रहा है इन द प्लेस ऑफ एक्स टू। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस यहां पर एक्स नहीं था इसीलिए हमने इस तरीके से हमें मानने पड़े, क्योंकि जो इस फॉर्म यहां पर होती है वही फॉर्म हम यहां मानेंगे। यहां पर अगर एक्स होता तो हम यहां पर भी एक्स वन एक्स टू मानते, जैसा कि हम अभी तक करते चले आए। तो थोड़ा सा नयापन यहां यही हो गया कि यहां पर ये कोऑर्डिनेट की फॉर्म में या पेयर्स के फॉर्म में दे दिया है, तो हमने यहां पर भी पेयर्स के ही फॉर्म में इसे रख लिया, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो ये जो हमने माने हैं ए वन बी वन ए टू बी टू, ये हमेशा एक्स वन एक्स टू की जगह रहेंगे, तो एक्स हमेशा पहले वाले को लाई करता है, मतलब ए क्रॉस बी को, तो हमने वही बिलोंग करा दिया ए क्रॉस बी। कुछ नया नहीं है, देखने में आपको भले अजीब सा लग रहा हो बट कुछ भी नया नहीं है। अब इसे बिल्कुल एक्स वन एक्स टू मान के करिए, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया। फिर वही हम एक्स वन एक्स टू मानते हैं, सच दैट किस तरीके से मानते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एफ पहला यानी कि एक्स वन ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू। अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम इन दोनों को इक्वल दिखा दें, यानी कि हम इक्वल दिखा दें ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू। अगर हमने इक्वल दिखा दिया तो वही केस प्रूव हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, और क्वेश्चन कंप्लीट। आइए देखें कैसे करेंगे। एफ ए वन बी वन, एफ ए बी कैसे खुलता है, एफ ए बी खुलता है बी ए टाइप में, तो इसका मतलब ये खुलेगा बी वन कॉमा ए वन, और ये भी खुलेगा ऐसे ही बी टू कॉमा ए टू। और हम फिर यहां एलिमेंट इक्वेट करेंगे, तो बी वन किसके इक्वल हो जाएगा, बी टू के। अगर आप एलिमेंट इक्वेट कर दो, इसका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो जाएगा, तो बी वन बी टू के इक्वल हो जाएगा, और ऐसे ही ए वन किसके इक्वल हो जाएगा, ए टू के इक्वल हो जाएगा। हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर ली, क्योंकि
दो ऑर्डर्ड पेयर सामने हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर के हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर सकते हैं। तो बी वन इक्वल टू बी टू हो गया और ए वन इक्वल टू ए टू हो गया। अब आप थोड़ा सा यहां से समझो कि अगर हम ए वन की जगह रख दें ए टू, ए वन की जगह अगर हम ए टू रख दें और बी वन की जगह बी टू रख दें, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? देखो, ए वन की जगह जैसे हम ए टू रखेंगे तो ये ए टू हो जाएगा, बी वन की जगह बी टू रखेंगे तो बी टू हो जाएगा। तो यानी कि ए वन बी वन किसके इक्वल हो जाएगा? ए टू बी टू के। इसका मतलब यहां से कंफर्म हो गया, हियर दिस इंप्लाइज दैट हियर ए वन बी वन इज इक्वल्स टू ए टू बी टू। और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि मैंने कहा था ना इसी को तो हमने एज अ एक्स वन एक्स टू रखा है, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दो और बस बात प्रूव हो जाएगी कि ये वन वन है, इसका मतलब ये वन वन तो कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऑन्टो वाले पार्ट पे। तो ऑन्टो भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एक एलिमेंट मानते हैं वाई जो कि बिलोंग करना चाहिए दूसरे में, लेकिन इस बार हमारा वाई नहीं रहेगा क्योंकि हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में मानेंगे। तो मैंने वैसे ही मान लिया, एक वाई वन मान लिया और एक वाई टू मान लिया, दो मान लिए, जैसे एक्स माने थे दो वैसे ही वाई भी। और बिलोंग्स टू, ये वाला हमेशा सेकेंड को लाई करता है, इस वाले को, तो ये किसको बिलोंग करेगा? बी कॉमा ए को, बी क्रॉस ए को, सॉरी बी क्रॉस ए को। और सच दैट, ये किस तरीके से लाई करेगा? सच दैट कि एफ ये जो एक्स वन कॉमा एक्स टू, मतलब कोई दो ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके लिए हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा वाई वन कॉमा वाई टू। सेम ऐसा ही केस होता है, बहुत ध्यान से समझिए कि लेट हमने वाई वन वाई टू माने जो बी क्रॉस ए को लाई करते हैं, सच दैट इस तरीके से कि एफ एक्स वन एक्स टू जो है, एक्स वन एक्स टू दो हमने एलिमेंट ऐसे ही मान रखे हैं और वो इक्वल होना चाहिए x1, y1 और y2। अगर आप x1, x2 में कंफ्यूज है ना, तो आप ए बी भी रख सकते हैं यहां पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप x1, x2 में कंफ्यूज हैं, तो आप यहां a1 और b2 कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो भी रख सकते हैं। ए बी सपोज 1, 1 वाला केस ही हटा दो, यहां मैंने a कर दिया और b कर दिया। अगर आपको डाउट हो रहा है, कभी ऐसा लगे कि x1 ये होगा या x2 ये होगा, नहीं, ये कोऑर्डिनेट ही मैंने ले लिए हैं, अगर आप चाहो तो ए बी भी ले सकते हो। सेम वही केस होता है, अगर आप इसको कंपेयर करो, हम कैसे मानते थे, लेट वाई बिलोंग्स टू जो भी ये दिया होता है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यही होता था। तो एफ एक्स, एक्स की जगह हमने एक एलिमेंट ना लेके ए और बी दो एलिमेंट ले लिए, जो कि हर बार ही हम यही कर रहे हैं कि हम एक एलिमेंट ना लेके दो एलिमेंट ले रहे हैं। अब अगर हम इसे थोड़ा फर्दर सॉल्व करें, तो एफ ए बी को कैसे खोलोगे, बी ए के अकॉर्डिंग, और ये तो वैसे ही रहेगा वाई वन और वाई टू। एलिमेंट अगर इक्वेट करोगे तो b किसके इक्वल हो जाएगा, y1 के, और a किसके इक्वल हो जाएगा, y2 के। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि b अगर y1 के इक्वल हो गया और a y2 के इक्वल हो गया, तो y1 और y2 यानी कि ये दो चीजें हमारे पास बच जाती हैं कि अगर हमने जो एलिमेंट माना था y1 और y2, जो हमने माना हुआ था y1 और y2, y1 की जगह अगर तुम वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा b, और y2 की जगह वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा a, और हमने ये किसको बिलोंग कराया हुआ था शुरुआत में ही, b क्रॉस a को। इसका मतलब है कि जो हमने y1 y2 माना था तो वो ba था, और ba जो है वो b क्रॉस a को लाई कर रहा है। तो आप देखो डेफिनेशन से भी, तो आपका ba जो है वो b क्रॉस a को ही लाई कर रहा है, क्योंकि ab की वैल्यू कितनी आ रही है, ba ही आ रही है। और यहां पर भी देखो, हमने y1 y2 जो दो एलिमेंट माने वो भी कितने आए, ba को ही लाई करे। अगर ba को ही लाई करे, इसका मतलब है कि हम ab से ba आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि हम कुछ नया कर ले, y1 और y2 हमने डिफरेंट लिए, लेकिन y1 और y2 भी दोबारा से कितने आ गए, ba ही आ गए। इसका मतलब हर बार जब भी हम ab रखेंगे तो हमें हर बार कितना मिलेगा, ba मिलेगा। इसका मतलब है कि हम अगर इनसे अलग, ba से कुछ अलग मानना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बार बार ba ही आ जा रहा है। इसका मतलब है कि हर बार ba ही आएगा और ba हमें मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमें इधर के सारे एलिमेंट, यानी कि b क्रॉस a के हमें सारे एलिमेंट मिल जा रहे हैं। अगर b क्रॉस a के सारे एलिमेंट मिल जा रहे हैं, इसका मतलब ये ऑन्टो भी है, और अगर ऑन्टो है और वन वन है, दोनों है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी है। इसको आप अच्छे से सेकेंड पार्ट को दोबारा से देखना कि मैंने एक एलिमेंट माना, मैंने जानबूझ के, मैं ये सोच रहा था कि क्या बी क्रॉस ए में बी ए के अलावा कोई एलिमेंट मान सकता हूं क्या, तो मैंने वो अलग मानने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो वाई वन और वाई टू जो मैंने माना था वो फिर से बी ए आ गया, और बी ए तो हमें ऑलरेडी मैपिंग दे ही रही थी। तो अगर बी ए हमें मैपिंग में मिल जा रहा है, तो इसका मतलब है ऑन्टो है। जब कोई एलिमेंट हम यहां निकालें और वो हमारी मैपिंग में ना आए, या हमारे फंक्शन से वो हम ना निकाल पाए,
तो समझो कि वो ऑन्टो नहीं है। लेकिन हमने जो फंक्शन निकाला है, जैसे बी वन हमने बी जो वाई वन है वो बी लिया है और वाई टू जो है वो ए लिया है, तो वाई वन वाई टू वो फिर से बी ए हो गया, और बी ए तो हमें वैसे ही फंक्शन में मिल रहा था। फंक्शन में कोई चीज मिल जा रही है इसका मतलब है कि वो ऑन्टो है, ठीक। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट की फॉर्म का था, तो इसलिए लिखने में, रिप्रेजेंट करने में तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि हम कोऑर्डिनेट के रूप में लिख रहे हैं। अदरवाइज मेथड मैंने कहीं पे चेंज नहीं किया, वही एक्स वन एक्स टू वाला ही रखा है और उसी मेथड के बेस पे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया है, ठीक। तो ये वन वन हो गया, ऑन टू हो गया, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी हो गया, और यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव दैट इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। आइए देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इनफैक्ट 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि लेट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एक मैपिंग दे रखी है और एक आपको फंक्शन दे रखा है जिसके दो फॉर्म हैं। पहला फॉर्म है वो है n प्लस 1 बाई 2, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड हो तो ये केस बनेगा, और एक और है n बाई 2, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो ये बनेगा। अब हमसे कहा गया है, और n जो है वो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर होगा ही क्योंकि मैपिंग नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, तो वो अनडाउटेडली नेचुरल ही होगा। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, आपको पता करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं, जस्टिफाई योर आंसर, ऑब्वियसली हमें रीजन तो देना ही है कि बाइजेक्टिव होगा या नहीं, तो क्यों होगा या क्यों नहीं होगा हमें रीजन तो देना ही है, तो इसलिए वो तो एक फॉर्मेलिटी हो गई। आइए देखें कैसे करेंगे इसको। मैं ये फंक्शन जो आपके सामने लिखा है एक बार ये लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, मैंने पहले से नहीं लिखा हुआ है इस बार, क्योंकि मुझे लगा पहले मैं ऐसे ही ओरली समझाऊंगा, फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा हिंट कर देता हूं लिख के। n बाई टू, और ये है इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, n है ये, थोड़ा ध्यान से देखें, n इज ऑड, और ये है इफ n इज इवन, n इज इवन, ठीक है। अब बाइजेक्टिव प्रूव करना है, देखिए ये बाइजेक्ट चेक करना है, इनफैक्ट प्रूव क्या करना है, चेक करना है कि ये है या नहीं। बाइजेक्टिव होने के लिए ये वन वन और ऑन्टो दोनों होना चाहिए, अगर ये एक भी नहीं हुआ तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। सबसे पहले हम वन वन चेक करते हैं कि ये वन वन है या नहीं, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, टेकिंग एन इज इक्वल टू टू, ध्यान से देखना, अगर मैं एन इज इक्वल टू टू मैंने निकाला और मैं पूछ रहा हूं कि आप बताओ एफ एन की वैल्यू, एफ एन, एफ एन में देखो एन इज इक्वल टू टू, तो एन ऑब्वियसली इवन है, तो एन अगर इवन है तो नीचे वाला फंक्शन काम करेगा, और इसमें एन की जगह अगर आप तुम टू पुट कर दोगे तो टू से टू कैंसिल होके कितना आ जाएगा वन, ध्यान से देखना। नाउ अगेन टेकिंग एन इज इक्वल टू वन, इस बार मैंने एन इज इक्वल टू वन पुट कर लिया, और मैं फिर कह रहा हूं कि फिर से क्या करो, एफ एन की वैल्यू बताओ, n इज इक्वल टू वन ऑड नंबर है, अगर ऑड है तो पहला वाला एक्टिव होगा, और इसमें n की जगह 1 पुट करो तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और फिर से कितना आ जाएगा 1, देखा। अब यहां से तुम लॉजिक समझो, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, आपके आ भी गया होगा। मैंने एक बार n इज इक्वल टू 2 लिया, एक बार n इज इक्वल टू 1 लिया, और दोनों बार इमेज तुम देख लो, एफ एन जो है या फंक्शन की जो वैल्यू है वो दोनों बार सेम है। इसका मतलब है कि इस बार फंक्शन सेम है लेकिन जो n की वैल्यू है वो सेम नहीं है, यानी कि ये वो केस है कि जिसमें fx1 is equal to तो fx2 है लेकिन x1 does not is equal to x2 है। देख लो, ये fx1 मानो तो ये 1 है, fx2 मानो तो ये भी 1 है, तो इसका मतलब fx1 is equal to fx2 है, दोनों बराबर है, लेकिन x1 x2 जो वैल्यू हमने पुट की थी, एक बार n is equal to 2 पुट किया था और एक बार n is equal to 1 पुट किया था, वो तो सेम नहीं है। और अगर ऐसा केस बनता है कि इमेजेस सेम है और एलिमेंट सेम नहीं है तो वो कभी भी वन वन नहीं हो सकता है, वन वन होने के लिए इमेज भी सेम होनी चाहिए तो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, और अगर ये वन वन नहीं है तो फिर बाइजेक्टिव के बारे में तो तुम सोच ही नहीं सकते क्योंकि ऑन्टो चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ऑन्टो हो या ना हो बाइजेक्टिव नहीं होगा। और क्वेश्चन में तुमसे यही पूछा गया था कि स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं, तो जब ये वन वन ही नहीं हुआ, आप सीधा रीजन दो कि जब ये फंक्शन वन वन ही नहीं है तो फिर ऑन्टो की तरफ हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और सीधा आंसर हमें करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक। तो ये दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन एंड द गिवन क्वेश्चन इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
टेन में आपसे कहा गया कि लेट ए, आपको कोई एक सेट दे रखा है आर माइनस थ्री। इसका मतलब अच्छे से समझ लो, इसका मतलब क्या है आर माइनस थ्री? इसका मतलब है कि ए जो है वो रियल नंबर का पूरा सेट है, लेकिन माइनस थ्री इसका मतलब उसमें माइनस थ्री का मतलब है कि थ्री नहीं है उसमें, थ्री हमने उसमें से माइनस कर लिया है। मतलब एक ऐसा सेट जो है ए है जिसमें सारे रियल नंबर हैं लेकिन थ्री नहीं है, क्योंकि थ्री उसमें से माइनस कर दिया गया है, इसका मतलब थ्री हटा दिया गया है। तो ए में सारे रियल नंबर हैं थ्री को छोड़ के, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें तो बी में एक और सेट है जिसमें भी सारे रियल नंबर हैं लेकिन उसमें एक रियल नंबर नहीं है और वो है वन, वन को हटा दिया गया है। तो यहाँ यानी कि यहां पर ए में सारे रियल नंबर हैं थ्री को छोड़ के और इसमें भी सारे रियल नंबर हैं वन को छोड़ के। कंसिडर द फंक्शन एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ए से बी में एक फंक्शन है डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, एफ इज वन वन और ऑन टू। आपको चेक करना है कि क्या वन वन और ऑन टू है या नहीं, इज लिखा है तो इसका मतलब आपको चेक करना है। और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही मान के चलना कि इसमें कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, और एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट ले लेना, कैलकुलेशन करना, दोनों बराबर आ जाएंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे, वन वन हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप वैल्यू पुट करोगे तो सारे रियल नंबर तुम्हें जो है वो मिल जाएंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम पहले जैसा ही रहेगा। तो एक क्वेश्चन है जो मैं छोड़ रहा हूँ आंसर, हालांकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, करने का तरीका सेम वही रहेगा कि एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट मानना जो ए को लाई करें, ठीक, और उनके रिस्पेक्ट में क्या कर देना, सच दैट वही कर लेना एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, और वो यहाँ रखोगे एक्स वन एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करोगे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, ठीक है। तो वन वन वहीं प्रूव हो जाएगा और फिर ऑन टू का पार्ट प्रूव कर लेना, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे करिए, ना हो तो अनडाउटेडली पूछिए। अब दो ऑब्जेक्टिव रह जाते हैं, ऑब्जेक्टिव मैं एक कराऊंगा, एक आपको खुद करना होगा। बहुत आसान है, देखना कि हम कैसे ऑब्जेक्टिव में कर देते हैं। रियल नंबर टू रियल नंबर आपका फंक्शन है, फंक्शन जो है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर। आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले एफ इज वन वन और ऑन टू। अगर मैं यही मतलब मुझे पेन नहीं उठाना है और मैं ऐसा ही ऑब्जेक्टिव टिक करना चाहता हूं, मैं क्या करूं, एक्स जो है वो रियल टू रियल है, इसका मतलब है एक्स की जगह मैं माइनस वन ले सकता हूं। अगर मैं एक्स की जगह माइनस वन लूं तो माइनस वन यहां रखूंगा तो माइनस वन का पावर फोर करोगे तो प्लस वन निकलेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं थोड़ा सा पेज यूज करूं, वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि आप क्या करो, एक्स की जगह माइनस वन लो तो एफ एक्स कितना निकलेगा, माइनस वन की पावर फोर, जो कि कितना हो जाएगा प्लस वन, क्योंकि फंक्शन एक्स की पावर फोर है ना। एक बार क्या करो, एक्स इज इक्वल टू वन ले लो तो उस केस में भी तुम्हारा एफ एक्स कितना निकलेगा, वन ही निकलेगा। समझ पाए, बहुत ओरल है। यानी कि हम माइनस वन अगर एक्स की वैल्यू लें तब भी इमेज जो है वो वन ही आ रही है, और अगर हम प्लस वन लें तब भी इमेज कितनी बना वन ही आ रही है। इसका मतलब है कि माइनस वन और वन दोनों की एक ही इमेज है और वो है वन, जबकि वन वन में ये होता है कि हर एक एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। जबकि यहां पर क्या हुआ, माइनस वन और प्लस वन दोनों की इमेज एक ही बन गई। अगर एक ही बन गई तो ये वन वन तो होना नहीं है, तो ये ऑप्शन तो किसी भी कीमत पे नहीं होना है। सी में भी क्या कहा गया है, एफ इज वन वन, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वन वन है ही नहीं तो फिर ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, तो ये तो दोनों गलत गए। अब यहां बचता है नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, या तो ये हो सकता है, और मैनी वन और ऑन टू ये भी हो सकता है, क्योंकि वन वन नहीं है तो वो मैनी वन ही बोला जाता है जो वन वन नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो नहीं है वन वन, इसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम पहला पार्ट कर चुके हैं कि ये वन वन नहीं है, तो अब बात बचती है सिर्फ ऑनटो पर। अगर ऑनटो हो जाएगा तो बी पार्ट सही हो जाएगा, और अगर ऑनटो भी नहीं हुआ तो फिर नाइदर वन वन और नॉर ऑनटो मतलब डी पार्ट सही होगा। आओ देखें, अब मुझे अगर बगैर पेन उठाए ऑनटो करना है, क्योंकि ऑनटो में लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जबकि अगर आप देखोगे तो ऑनटो उतना टफ पार्ट नहीं है, वन वन भी नहीं है और ऑनटो भी नहीं है। अब ऑनटो के लिए आपको क्या करना होता है कि क्या आपको सारे रियल नंबर मिल सकते हैं, अगर सारे रियल नंबर मिल सकते होंगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। और सारे रियल नंबर कैसे मिल सकते हैं, मतलब फंक्शन की वैल्यू जो होनी चाहिए, या वाई की वैल्यू कह सकते हो, या फंक्शन जो है वो सारे रियल नंबर को लाई कर सकता है या नहीं। अगर आपकी एफ एक्स की वैल्यू जो है वो सारे रियल नंबर को दे रही है तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन ऑनटो है, अदरवाइज वो ऑनटो नहीं है। तो फंक्शन की वैल्यू सारे रियल नंबर को निकालनी चाहिए। अब रियल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होता है। अब मैं कहूं कि कोई ऐसा केस है जिसमें तुम्हारा जो एफ एक्स है यानी कि फंक्शन है उसकी वैल्यू माइनस टू निकल जाए, कोई ऐसा केस है कि एफ एक्स की जगह माइनस टू निकल सके? आप देखो कभी नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर है, और अगर पावर इवन है तो यहां से कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं निकलेगा।
इसका मतलब है कि इससे नेगेटिव रियल नंबर तो एक भी नहीं आना है, और ऑन्टो होने के लिए सारे रियल नंबर मिलने चाहिए थे। अगर एक भी रियल नंबर नहीं मिलता तो वो ऑन्टो नहीं होता, और जबकि यहां तो सारे नेगेटिव ही नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि केवल पॉजिटिव पॉजिटिव वाले तो मिल पाएंगे लेकिन नेगेटिव नेगेटिव वाले नहीं मिल पाएंगे। इसका मतलब है कि ना तो ये वन वन है और ना ये ऑन्टो है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। और देख लो, मैंने कहीं कोई पेन नहीं उठाया, वो थोड़ा सा जो उठाया भी वो भी आप लोगों को समझाने के लिए, अदरवाइज तो मैंने माइंड में ही देख लिया था कि माइनस वन रखूंगा तो भी प्लस वन निकलेगा और प्लस वन रखूंगा तो भी प्लस वन मिलेगा, यानी कि माइनस वन और प्लस वन दोनों की इमेज जो है वो प्लस वन ही रहेगी, तो दो एलिमेंटों की सिंगल इमेज हो जाएगी, जबकि वन वन कहता है हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। और फिर ऑन्टो के लिए मैंने देखा कि क्या सारे रियल नंबर मुझे मिल सकते हैं, तो सारे तो मुझे नहीं मिल पाए, सारे नहीं मिल पाए क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि x की पावर 4 जैसे ही हम x की जगह कुछ भी रखेंगे, नेगेटिव भी रखेंगे, तो उसका स्क्वायर होके सॉरी पावर 4 होके वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जब पॉजिटिव बन जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव को ही लाई करेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा जीरो तक जा सकती है, नेगेटिव को लाई कभी नहीं कर पाएगी। और अगर नेगेटिव को लाई नहीं कर पाएगी तो हमारे सारे रियल नंबर जो है वो नहीं मिल पाएंगे, और अगर सारे रियल नंबर नहीं मिल पाएंगे तो ये ऑन्टो भी नहीं होगा, तो इसलिए मैंने करेक्ट ऑप्शन डी कर दिया। ऐसे ही आपके पास एक ट्वेल्थ है जिसमें कहा गया है रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड, और आपके सामने एक फंक्शन दे रखा है और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आप दिमाग लगाइए, ये उससे ज्यादा ईजी है क्योंकि आप आराम से कर पाओगे, और सोच के बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन आपका बने वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ ट्वेल्थ क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है, तो ट्वेल्थ क्वेश्चन और उसका ऑप्शन डालिए कि हाँ ए बी सी या डी। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा या क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो मैं उसे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो जाती है। हमारे पास 12 क्वेश्चन थे तो दो पार्ट्स के थ्रू हमने इस एक्सरसाइज को कम्प्लीट किया। ये दूसरा पार्ट था इस एक्सरसाइज का, पहला पार्ट हम ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुके थे। तो नेक्स्ट पार्ट में जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपन लोगों का ख्याल रखिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए।